अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फतूर ड्रामे की अगली आने वाली एपिसोड इंतहाई दिलचस्प होने वाली हैं। हमज़ा की वालदा और बहन जो कि हमज़ा की वजह से काफ़ी परेशान होती हैं कि हमज़ा अपने बाप की वफ़ात के बाद अपने बाप का सारा बिजनेस संभालेगा, लेकिन हमज़ा तो ख़ुद को बर्बाद करना चाहता है। उसके दिल और दिमाग से तो दिलनशीन की यादें जाती ही नहीं, वो हर वक्त दिलनशीन के बारे में ही सोचता रहता है। हमज़ा की बहन और माँ हमज़ा की इस हालत की वजह से काफ़ी परेशान होती हैं कि कितना अरसा हो गया है उस लड़की की शादी को, लेकिन वो लड़की तो हमज़ा के दिल और दिमाग से जा ही नहीं रही। अगर हमज़ा की हालत ऐसी ही रही तो ये बिजनेस कौन संभालेगा। रिदा अपनी वालदा को हौसला देती है और कहती है, अम्मी आप परेशान ना हो, हमज़ा बहुत जल्द अब दिलनशीन को भूल जाएगा। अगर उसका दिल बिजनेस की तरह लग गया और अब मैं दिलनशीन को हमज़ा के दिल से निकाल कर ही दम लूँगी। मैं भी अब देखती हूँ वो कैसे दिलनशीन को नहीं बुलाता। हमज़ा की वालदा रिदा से कहती है कि काश हमने उस वक्त हमज़ा की बात मान ली होती तो आज हमें ये दिन ना देखने को मिलता। ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। उस वक्त मैं ही नहीं चाहती थी कि हमज़ा की शादी दिलनशीन से हो। मुझे नहीं पता था कि मुझे इस गलती की इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी। दोस्तों चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। अल्लाह हाफिज़।